बाबा धनसर एक पवित्र मंदिर है जो कि कटरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलो पहले मैं बेसिक चीज़ें बता दूं कि बाबा धनसर थे कौन और ये मंदिर है कहाँ पर स्थित और कैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो व्यू तो आप देख ही ले रहे हो कि कितना प्यारा व्यू है बाबा धनसर के रास्ते पर, और जो सामने दिख रहा है वो है माता वैष्णो देवी का पहाड़। तो चलो बात करते हैं बाबा धनसर के बारे में। बाबा धनसर थे कौन? बाबा धनसर जो थे वो शेषनाग के मानव रूप वसुदेव के पुत्र थे, और इनके बारे में और भी बातें करते हैं। तो बाबा धनसर जो थे वो शेषनाग के वसुदेव का जो मानव रूप था उन्हीं के पुत्र थे। बाबा धनसर का पवित्र स्थान भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के रियासी जिले में कटरा से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर करुआ जो एक गांव है वहां पे करुआ झील के पास स्थित है। इस रास्ते में सड़क से 20 मीटर पैदल हमें चलना पड़ता है तब जा करके बाबा धनसर का मंदिर आता है। और पुरानी मान्यता ऐसा है कि शिव भगवान जो थे पार्वती जी को अपने अमरता की कहानी सुना रहे थे, तो उस समय जो अमर गुफा में गए और उन्होंने शेषनाग को अनंतनाग में छोड़ दिया, और शेषनाग के जो मानव रूप था वो वसुदेव थे और उन्हीं के पुत्र थे बाबा धनसर जो कि एक संत व्यक्ति निकले और वो साधु बन गए। और यहाँ पे बाबा धनसर के बारे में कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग थे वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि प्राचीन काल में वहाँ पे एक राक्षस रहता था, करुआ झील है उसी के पास एक राक्षस रहता था जो कि करुआ गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। उसके अत्याचार से वहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, तो ग्रामीण के लोगों ने सोचा कि चलो बाबा धनसर के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। बाबा धनसर जो थे वहीं पे तपस्या करते थे करुआ झील में, तो सभी लोग वहाँ पे गए बाबा धनसर के पास। फिर बाबा धनसर ने शिव जी से मदद मांगी, उनसे प्रार्थना की, फिर शिव जी पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने राक्षस को मारने में बाबा धनसर की मदद की। इसके बाद इस जगह का नाम बाबा धनसर के नाम पर पड़ गया। करुआ झील के पास बाबा धनसर का मंदिर और भगवान शिव की पवित्र गुफा है। करुआ झील को पवित्र माना जाता है जहाँ स्नान करना बिल्कुल मना है। इस वीडियो में आपको करुआ झील भी मैं दिखाऊंगा, अभी हम रास्ते देख रहे हैं और बातें भी कर लेते हैं। तो करुआ झील को पवित्र स्थान माना गया, उसमें आप स्नान नहीं कर सकते। इसका व्यू बहुत प्यारा है, तो वीडियो में बने रहना। बिल्कुल हरे रंग का झील है और अगर भक्त चाहें तो नीचे के झील में स्नान करते हैं, वहाँ पर स्नान करना बिल्कुल मना है। तो भक्त नीचे के स्रोत स्थान में जो झील है वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि यदि वे जलधारा में स्नान करते हैं और पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और हर साल जो यहाँ पे बाबा धनसर के पास वहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है, बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं और जब एक वार्षिक उत्सव मेला आयोजित किया जाता है हर साल। साथ ही खूबसूरत करुआ झील भी है यहाँ पर जो चट्टानों से निकल कर घने जंगल में गिरता है। इस झरने को बहुत ही पवित्र माना जाता है, धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक प्राकृतिक खूबसूरती से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को काफ़ी आकर्षित करता है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। और थोड़ा आगे चलते और सीधे पहुँचते हैं बाबा धनसर के मंदिर के पास। रास्ते में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे व्यू बहुत प्यारा आता है, तो मैंने कुछ यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करवाए थे और थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो बहुत प्यारा व्यू था। आसमान सामने और सामने जो पर्वत दिख रहा है वो माता वैष्णो देवी का पर्वत, तो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा था। तो आप भी आओ यहाँ पे फोटो बनाना, जैसा कि आपको पता ही है
वीडियो मैंने बता ही दिया कि बाबा धनसर का जो मंदिर है वो कटरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा आ रहे हो तो वहाँ से नेक्स्ट डे का प्लान कर लेना कि बाबा धनसर चले जाओ। और यहाँ पर जो है अगर ऑटो हायर करते हो तो ऑटो हायर करोगे तो वो लोग तो ज़्यादा मांगेंगे, 700 से 800 मांगेंगे, 800 के करीब मांगेंगे। पर आप बोलना कि नहीं मुझे सिर्फ धनसर ही जाना है बाबा धनसर, अगर चाहो तो बीच में एक दो पॉइंट और भी है, नौ देवी दुर्गा का मंदिर है वहाँ भी जा सकते हो। तो अगर वो सारे पॉइंट विजिट करोगे तो 700 से 800 लोग ले लेते हैं ऑटो वाले, 3-4 लोग हो तो कोई दिक्कत नहीं होता। पूरे दिन का हायर कर लेना, 800 में हायर हो जाएगा ऑटो, और फिर निकल जाना बाबा धनसर के मंदिर के लिए। और रास्ते में व्यू कुछ ऐसा आएगा तो आप लोग वीडियो अगर बना लेना, मैं तो वीडियो बनाते हुए जा रहा था, मज़ा तो रास्ते का ही होता है ज़्यादा, मंजिल का तो पहुँच जा बस हो गया। रास्ते जाओगे तो बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पे, देखो इस तरह का व्यू है। तो 800 के आसपास, 700 से 800 लेंगे ऑटो वाले और आपको छोड़ देंगे वहाँ पे। तो वन डे तो लग जाता है यहाँ पे जाने में, वन डे का पूरा दिन रखना क्योंकि यहाँ पे एक झील भी है जो वीडियो में आपको अब आगे दिखेगा, झील है मंदिर है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत हो जाता है। तो एक दिन का टाइम रखना आप, रास्ते में एक दो पॉइंट और विजिट कर लेना। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे पहुँचे बाबा धनसर के मंदिर में। बाबा धनसर जो कि शेषनाग के मानव रूप अवतार वसुदेव के पुत्र थे और वो बाद में संत बन गए थे, और यहीं करुआ गाँव में ही आकर के करुआ झील के पास वो तपस्या करते थे, पूजा करते थे। और एक राक्षस भी रहता था जिससे गाँव वाले परेशान थे, तो उसी राक्षस को मारने के लिए बाबा धनसर ने शिव जी की पूजा की और उन्हें मदद के लिए पुकारा। तो शिव जी की मदद से उन्होंने करुआ राक्षस का वध किया था और फिर इस तरह से गाँव वालों को मुक्ति मिल गई। और यहाँ पे जब आओगे तो इस तरह के कुछ व्यू होते हैं, और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी है जहाँ पे जाकर हम फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। तो बहुत नीचे प्यारा व्यू है यहाँ का, और हम ऊपर आ चुके हैं रास्ते जो कि बाबा धनसर तक जाता है, और जो सामने दिख रहा है वही है यहाँ का सेल्फी पॉइंट जहाँ पे हम जा करके व्यू फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। और ऑटो वाले जो हैं यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद हमें लगभग 200 मीटर का यात्रा पैदल ही करना पड़ता है जो कि सीढ़ियों के द्वारा होता है, और सीढ़ियाँ बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ, मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है सीढ़ियों की। और ये रहा सेल्फी पॉइंट यहाँ का, तो यहाँ मैं ही पहुँचा था और यहाँ पर हमने सेल्फी वगैरह ली। और यहाँ से व्यू पूरे जंगल का व्यू आता है, जैसा कि देखो पूरा यहाँ से जंगल दिख रहा है और इस तरह से पहाड़ वगैरह दिखते हैं सामने के, पहाड़ किस तरह से दिख रहे हैं, और नीचे झरना है वो भी दिखता है यहाँ से, झरना बिल्कुल नीचे है वो, काफ़ी दूरी पे वो बाबा धनसर के मंदिर के नीचे ही है वो झरना। और देखो कुछ लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे यहाँ पर, फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो ये सारा है बाबा धनसर, तो पॉइंट भी काफ़ी खूबसूरत है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि एक दिन यहाँ पे लेकर के आना पूरे दिन का टाइम, क्योंकि लग ही जाते हैं यहाँ पे आओगे फोटो वगैरह लोगे। मैंने कुछ इस तरह से वीडियो वगैरह बनाए थे अपने, फ़ोटो लिए और एक ड्रोन शूट ले रहा था मैं यहाँ पर, एक्चुअल में ड्रोन नहीं था वो, इस तरह से बनाया गया था कि ड्रोन की तरह लगे इससे। ये देखो कैसे सही लग रहा है ना, यह ड्रोन शूट लिया गया तो बहुत सही भी बात है यहाँ पे। और ये सीढ़ियाँ रही जिससे होते हुए नीचे उतर करके हम बाबा धनसर के मंदिर तक पहुँच गए, और ये सीढ़ियाँ सीधे मंदिर तक जाती है। और चलते चलते तो आदमी थक जाता है, उतरने में तो उतना कुछ नहीं लगता पर जब चढ़ोगे सीढ़ियाँ तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। चढ़ते टाइम का वीडियो मैंने डाल रखी है, मेरी तो हालत बहुत ख़राब हुई थी सर्दियों में, पसीने चूर रहे थे इतनी ज़्यादा ऊँची सीढ़ियाँ। ये देखो मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा हूँ, और गोप्रो के सारा फुटेज है तो देख ही सकते हो, उतरते टाइम तो कोई वैसा है नहीं, इजीली मैं उतर जा रहा हूँ नीचे की तरफ।
और सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी चौड़ी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बंदर बहुत है, रास्ते में बंदर बहुत रहते हैं। तो पानी वगैरह आप कैरी कर रहे हो, वाटर बोतल, तो बंदर वो छीन लेते हैं। यहाँ पे देखो कितने बंदर बैठे हुए हैं, वैसे तो जाले लगे हुए हैं पर फिर भी अंदर आ जाते हैं बंदर। और जो सामने दिख रहा है वही बाबा धनसर का मंदिर है, हम अभी पास से भी देखेंगे। और बंदर लड़ रहे थे, ये नहीं कि करना कि मोबाइल बाहर लगा करके फ़ोटो ले रहे हैं, तो डर लगता है फ़ोटो लेने के चक्कर में मोबाइल चला जाएगा, बंदर मोबाइल छीन लेते हैं यहाँ पे। और पानी बोतल तो छीन ही लेते हैं। और ये देखो ये रास्ता है बाबा धनसर के मंदिर जाने का, बाबा धनसर एकदम शिव गुफा सामने ही। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमेशा लंगर चलते रहता है, तो जब भी आप आओ यहाँ पे तो लंगर प्रसाद खा कर जाना। और यही एक करुआ झील सामने आपको दिख रहा है, एक करुआ झील है, यहीं पे बाबा धनसर ने तपस्या की थी। इस झील में स्नान आप नहीं कर सकते, यहाँ पे पब्लिक के लिए स्नान करने के लिए अलाउ नहीं है। अरे पूरा करुआ झील का व्यू है, यहाँ पर पानी देखो कितना स्वच्छ है, ऊपर से पानी गिरते रहता है झरने से, और बिल्कुल हरे कलर का पानी दिखता है, बिल्कुल साफ पानी है। अगर आपको स्नान करना है तो इसके नीचे और भी नीचे एक बहुत बड़ा झरना है, नदी है, वहाँ पे स्नान करो। वहाँ पे ही लोग जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो लोग सब स्नान करते हैं। और ये जो झील है बाबा धनसर के मंदिर के अंदर ही है, यही करुआ झील है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो करुआ झील का व्यू देख ही चुके, तो कितना साफ पानी है नीचे, हराना भी दिख रहा है। कुछ फुटेज यहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं, जैसा कि देखा आपने बंदर भी कूद रहे हैं, ये भी है। वैसे तो झील के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, पर जब मैं गया था उस टाइम इतना भीड़ नहीं था। और यह बाबा धनसर का मंदिर सामने दिख रहा है आपको, बाबा धनसर जी मंदिर। तो मंदिर में गया था पर वहाँ कैमरे लाओ नहीं थे, ऐसे भी मंदिर में कैमरे लेके नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखो बंदर कितने सारे, मुझे तो डर लग रहा था कहीं गोप्रो मेरा छीन न ले, मैं संभाल करके चला रहा था। अरे बंदर सभी तरफ उछलते कूदते रहता है, हर तरफ बंदर मिलेंगे आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो सेसना की फ़ोटो बनी हुई है, और जो सामने दिख रहा एरिया सिंगिया सिंगा, वहाँ पर बहुत सारे सांपों के मूर्तियाँ बनी हुई है, क्योंकि ये सेसना के मानव रूप वसुदेव के पुत्र थे बाबा धनसर। तो यहाँ पर सेसना की मूर्तियाँ लगभग सभी तरफ, यहाँ पर सेसना की मूर्ति बने हुए जहाँ भी देखोगे। और देखो मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, बंदर देखो कितना, इतने सारे बंदर हैं, सारे उछल कूद कर रहे हैं यहाँ सारे बंदर। और पीछे मेरे बंदर आ गया, तो यही थोड़ा डर था कहीं कैमरे न छीन लें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंदर में परेशान नहीं करते बंदर। वैसे भी अंदर में आदमी कुछ लेकर तो जाता नहीं है, सिर्फ मोबाइल वगैरह होते हैं उनके पास, खाने पीने का चीज़ होता नहीं है। तो जब पानी बैग वगैरह लेकर के जाओगे तो दिक्कत होता है, वहाँ बंदर छीन लेते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी बंदर वगैरह उछल कूद कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये जितने पत्थर हैं इन सब पे शेषनाग का तस्वीर बना हुआ। और ये झील, जो झील है बंदर उछलते कूदते रहते हैं ऐसे ही यहाँ पर। और यही वो स्थान है बाबा धनसर का, बाबा धनसर का पवित्र मंदिर, यहीं पे बाबा धनसर पूजा किया करते थे, तपस्या करते थे। अंदर मंदिर में पुजारी जी बैठे रहते हैं। और ये पानी है जो सीधा नीचे की तरफ जाता है, तो इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके, और निकलने के बाद सीधा नीचे पहुँचे झरने के पास। ये बाहर निकलने का रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए हम लोग बाहर निकले। और ये जो नीचे वाला झरना है, जो नदी है, इसी में स्नान किया हमने। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं ये लोग यहीं पे स्नान करते हैं। और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है, जब भी यहाँ पे जाओगे तो यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, एक दो घंटे यहाँ पे लग जाता है। पानी देखो
और आज लोग आ गए स्नान भी करते हैं, क्योंकि हम जब गए थे ठंडी का मौसम था, तो स्नान तो हमने नहीं किया। गर्मियों में जाने पे स्नान करो, सही टाइम है स्नान का। यहाँ पे बहुत लोग स्नान भी करते हैं। और ये मैंने कुछ टाइम लैप्स में वीडियो बनाया था, जो कि 1 मिनट का टाइम लैप्स वीडियो था। तो देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। और इस नदी की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे स्नान करते हो, सच्चे मन से कुछ भी मांगते हो, तो आपकी मुराद जो भी होती है वो पूरी होती है। तो देखो बहुत सारे लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। ठंडी का मौसम है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए लोग अभी इस टाइम नहा नहीं रहे। तो जब गर्मियों में जाओगे तो लोग नहाते हैं। देखो क्या ये आता है यहाँ से। मैं इस वीडियो के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो नदी के पानी देख कर खुल गए। और यहाँ पर मैंने कुछ अपने वीडियो बनाए थे, छोटा सा क्लिप दिया था, देखो। और यहाँ मैंने ड्रोन से लेने का भी ट्राई किया था, चलिए ड्रोन पर था नहीं हमारे पास उस टाइम, तो ऐसे ही कैमरे से। ये देखो ये ड्रोन से ले रहा था, लग रहा है ड्रोन की तरह, पर थोड़ा उतना अच्छा नहीं आ पाया, थोड़ा नीचे रहता तो सही आता, पर फिर भी सही लग रहा है। तो आप भी जब जाओ तो इस तरह से कैमरे को नीचे से ऊपर ले जाना, मैं बिल्कुल ड्रोन से फोटो लिया गया, ऐसा फील होता है। तो इस तरह से हमने नीचे झील में कुछ टाइम बिताया। फिर हमारा रिटर्निंग का सफर शुरू हो गया। पसीने भी चूरे हैं। तो बाबा धनसर से हम वापस कटरा की तरफ निकलने लगे। ज्यादा सीढ़ियां, तो रास्ते में लौ दुर्गा मंदिर भी था, हमारे पास टाइम कम था और बस थोड़े से और आगे ट्रेन का टाइमिंग हो रहा था, ट्रेन भी पकड़ने थे हमें, तो इसलिए भी हम सीधा यहाँ से निकल चुके कटरा के लिए, क्योंकि और देर रुकते तो हमें ट्रेन छूट जाती। अभी भी जाना था, फिर सामान उठाने थे, फिर ट्रेन पकड़ने थे, तो फिर हम लोग नहीं घूम पाए। तो फिर दोपहर में हमारा ट्रेन था, दोपहर नहीं मानो 4 बजे ट्रेन था, 4 बजे के आसपास, तो इसी वजह से हम लोग वापस जल्दी आ गए। अगर आपके पास टाइम हो तो सुबह ही निकलो बाबा धनसर के लिए, कोशिश करना कि 9 से 10 निकल जाओ, ज़्यादा चल जाता है और पूरा दिन यहाँ पे लग जाता है। बाबा धनसर जाओगे, एक दो मंदिर और भी हैं, ये सब मंदिर कवर करते करते पूरा दिन आपका लगने वाला है। और यहाँ पे रास्ते तो पता ही है, कितना प्यारा व्यू आता है रास्ते में, तो ये सब भी देखते हुए आना है आपको। और एक अच्छा टाइम बीत जाएगा यहाँ पे बाबा धनसर के मंदिर में, और रास्ते में इंजॉय बहुत करोगे आप। फोटो क्लिक करवाते हैं ना, क्योंकि ऐसा व्यू और कहीं मिलता नहीं है। ऐसा मैंने फील किया था कि जब रास्ते में हम जाते हैं तो भी बहुत, और जो सामने पर्वत दिख रहे हैं, माता वैष्णो देवी के पर्वत है, जहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और रास्ते में व्यू देख ही सकते हो, यहाँ पर अगर आप फोटो क्लिक कराओगे तो अलग ही व्यू आएगा। रास्ते में बंदर ही बहुत है, अगर आप यहाँ पे फोटो क्लिक कराते हो तो हरियाली वगैरह भी मिलेंगे आपको, और सामने बादल, पर्वत के ऊपर बादल दिखेगा, तो बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पे। तो जब जाओ तो रास्ते में बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाना, क्योंकि ऐसा व्यू और कहीं नहीं मिलता, बहुत प्यारा व्यू मिलते हैं यहाँ पे। मैंने भी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए थे, और यहाँ के फ़ोटो बहुत ही प्यारे थे। और देखो सामने क्या प्यारा नज़ारा है, अगर इस रोड पर भी रुक करके आप फोटो वगैरह क्लिक करो तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये बिल्कुल शांत एरिया था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल शांत था, तो आराम से आप यहाँ पर रुक सकते हो। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो और भी अच्छी बात है, पर यहाँ पर जनरली लोग ट्रेन से ही आते हैं, दिल्ली से यहाँ तक आना पर्सनल व्हीकल से थोड़ा टफ हो जाता है, टाइम भी लगेगा। ट्रेन से क्या है, रात में मैंने ट्रेन पकड़ी, सो पहुँच गया।
अगर साथ में आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ तक खर्चे कितने आने वाले हैं। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, थर्ड एसी में जाओगे तो 1000 रुपये आने का, 1000 रुपये जाने का हो गया, और 2 दिन रुकते हो तो 1000 रुपये आपका रूम का, 500 पर नाइट, और 1000 रुपये खाना, और प्रसाद वगैरह जो भी लोगे आप, सामान भी खरीदोगे, तो 1000 उधर भी मान लो 5000 में आपका पूरा यात्रा कम्प्लीट होने वाला सिंगल पर्सन के लिए। अगर दो लोग आओगे तो और सस्ता पड़ेगा। अगर आप स्लीपर से आते हो, स्लीपर ट्रेन का 300 रुपये रहेगा, 300 600 वहाँ पर हो जाएंगे, और दो लोग आ रहे हो तो 500 में आपका 2 दिन का हो जाएगा रूम, 6 5 1100 हो गया, और खाने में 1000, दो लोग रहोगे तो कम ही पड़ेगा, 1100 और 900 रख लो खाने पीने का, 2000 बाकी प्रसाद का, 1000 और 3000, तो 3000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा माता वैष्णो देवी की यात्रा। और आसपास के लोकेशन जा रहे हो, दो लोग रहोगे तो शेयर कर लो उसी को, यहाँ भी जाओगे तो आपको दो लोग हिसाब से 800 का ऑटो लेते हो तो 400 रुपये पड़े आपको, तो आओ उधर सर भी 400 रुपये में आपका हो जाएगा, 3 4 लोग जितने भी लोग रहोगे। हमारा यात्रा इसी तरह से पूर्ण हो गया था बाबा धाम सर का। रास्ते में और भी टेम्पल मिले थे पर हमारे पास टाइम बहुत कम था जिस कारण हम जा नहीं पाए, और रास्ते में एक और टेम्पल भी मिलता है, अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ विजिट करना, वो टेम्पल आने ही वाला है, कोई दूर पर है यहाँ से, समझो तो आप कटरा से थोड़ी दूर पर होगा, 3 से 4 किलोमीटर होगा, इतना जाएगा नहीं, पर यही है टेम्पल, अभी टेम्पल बहुत प्यारा था। टाइम कम होने के कारण यहाँ पे जा नहीं पाए, अगर मैं जाता तो एक वीडियो यहाँ भी बन जाता पर जा नहीं पाए, फिर मैं आ गया सीधा कटरा, और वहाँ से मैंने बैग वगैरह उठाया, अपने जितने भी लगेज थे उसे उठाया और सीधा पहुँच गया कटरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारा ट्रेन कटरा से ही था, चलते हैं।